My heart wants to tell you something. Yes, tell me. Bangladesh people, I'm Bokachoda. Wow, boy, तो हम सोच रहे हैं कि भाई को लेकर जाएंगे सिक्किम और दार्जिलिंग। ठीक है, पहले पीछे कर लेता हूँ भैया, इन लोग से बकवास नहीं करना, पैसा खाने का कोशिश कर रहे हैं, निकलो यहाँ से। ओ मादर, ओ भाई, इस साइड में लगा जाता है, ऐसा लग रहा है कि हम आसाम साइड में आ गए। मो नेपाली दाजू बहिनी लाई धेरे मांग छु। काफी दिनों ब्लॉग, आज मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ बिकॉज कुछ दिन पहले मेरा बहुत बड़ा क्रैश हो गया था ना, तो मेरा पैर काम नहीं कर रहा था और मैं अपना रॉकी को मैं चला भी नहीं रहा था। जब से क्रैश हुआ तब से यहीं पे पड़ा हुआ है और मैं भी घर पे पड़ा हुआ था। बट बातों में गाइस, बहुत सालों बाद अपना भाई कल को ही आ गया था, मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। मैं बता दूं तो हमारे ना एशिया के नंबर वन यूट्यूबर है। माय हार्ट वांट्स टू टेल यू समथिंग। मेरी आँखों की नमकीन मस्तियाँ। आई नो यू। आपके पापा का फेविकॉल का फैक्ट्री है क्या? ऐसे क्यों कहा तुमको? क्योंकि तेरे फोटो को सीने से यार चिपका लो से यार। आर यू फ्रॉम इंडिया? यस वी आर। इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? नॉर्थर्न। अच्छा, वेयर आर यू फ्रॉम? या आई एम फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट ऑफ इंडिया और वेस्ट ऑफ अर्थ? नो नो, आई एम फ्रॉम द वेस्ट पार्ट ऑफ योर हर्ट। वाओ। रमेश भाई इज हियर, कैसे हो भाई? दोस्तों बढ़िया बढ़िया, रॉक लावा के घर में आके और बढ़िया हो गए दोस्तों। मतलब मैं ना बहुत सालों से मैं बोल रहा था तुमको कि आ जाओ भाई, तुम आ ही नहीं रहे थे, मैं तो गुस्सा हो गया था। अब हमें थोड़ा मौका मिला आने का, क्योंकि हमें ऐसे थोड़ा पहाड़ों का वैसे चाय पीना था। तो हम सोच रहे हैं कि भाई को लेकर जाएंगे सिक्किम और दार्जिलिंग। ठीक है, तो कल कोई भाई आ गए थे, आके रेस्ट वेस्ट कर लिए थे अपने छोटा से माहौल पे। हाँ। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ भी अभी जाएंगे, कुछ भी कुछ भी जा रहे हैं दोस्त के घर पे। हाँ। और उसके बाद फिर शाम को जयगांव आएंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो भाई कैसा लगा हमारा गांव, हमारा घर? देखो बहुत सुंदर है, और इस गांव का सुंदरता तुम बढ़ा रहे हो। अरे वाह वाह, अगर तुम नहीं रहोगे तो इस गांव में सुंदरता ही नहीं आता। काश मैं ऐसा बोल सकता था। तो अभी चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए। ये मम्मी पापा कैसा लगा रमेश भाई से मिलके? रमेश भाई कैसा लगा मम्मी पापा से मिलके? मुझे अच्छा लगा, फेवरेट है। दो बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। भाई मेहनत करता है। थैंक यू अंकल जी, इसलिए हमको अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा अच्छा वीडियो बनाओ। ठीक है, अभी कुछ बजे जाके आना शाम को। हाँ, शाम को आते हैं। चलिए ठीक है, आशीर्वाद जीते रहो बेटा। चले मम्मी जी, कैमन से भाई? भालो से खूब भालो जी। हमारे एक्चुअली रमेश भाई के साथ ना हमारे तीन दोस्त आए हैं कोलकाता से, चारों जन, और मैं अपने जयगांव से कुछ भी जा रहे हैं। ये भाई का घर एक्चुअली कुचबिहार में है, थोड़ा सा कुचबिहार भी घूमेंगे। बंगाली बोलो, बंगाली भालो भाषी है ये तो, ये तो सबको पता है। तो दोस्तों आलीपुर क्रॉस करके अभी एंटर कर रहे हैं हम लोग टूवर्स कुचबिहार। बट हम लोग कुचबिहार नहीं, हम लोग जा रहे हैं दिन आटा ना भाई। हाँ भाई, इसको टट्टी लग रहा है रमेश। रमेश भाई आपको टट्टी लग रहा है? मैं बता दूं गाइस, गाड़ी के बीच में ये भाई ने पात दिया था भाई, सब लोग बेहोश हो गए थे थोड़ी देर के लिए। अभी रमेश भाई को भी टट्टी लग रहा है। दोस्तों ये हम लोग कहाँ आ गए भाई, पूरा का पूरा गांव के एरिया में। भाई को पहाड़ घूमना था, हम एकदम गांव घर में ले आए। क्या हो गया? ओ मुठल भाई तो सो गए पूरा का पूरा। अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ओनली 15 किलोमीटर। और यहाँ से ना भाई बोल रहा था लंच करने के बाद हम लोग बांग्लादेश जाएंगे। भाई बांग्लादेश ही, बांग्लादेश बॉर्डर, घर, ऐसा कुछ बोला था। चलो भाई जिंदगी में आज बांग्लादेश का बॉर्डर भी देख लेते। তো রাস্তায় বাচ্চা খোলা আছে তো কি করবো? আরে দাদা রাস্তায় বাচ্চা আছে, নিয়ে তো যদি বাচ্চাদের भाई दादागिरी की दिखा रहा था भाई। यहाँ पे एक्चुअली रास्ता ही नहीं, इतना छोटा सा है। और तो वो लोग साइड भी दे रहा है थोड़ा सा, और आके बदतमीजी कर रहे हैं। क्या बोला बंगला में? बंगला में बोला कि किताब से बोल रहा हूँ कि साइड दो, साइड दो, साइड देने के लिए भाई जगह तो चाहिए भाई। उसका चेहरे पे इतना एग्रेसिव पन था कि साला ऐसा कर रहा था कि मार ही देगा सबको। भाई चूतिया भी है मतलब का भाई, ये गुस्सा किस चीज का उतर रहा है? कुछ करता
नहीं हम तो ठीक है, इतना छोटा रास्ता, इतना गाँव का रास्ता, देखो गाड़ी हम धीरे धीरे जा रहे हैं और उसको चाहिए साइड, और थोड़ा सा दे भी रहा है तो वो बोला कि हॉर्न बड़ा से की सुनी थी ना बाल चौथा भाई ऐसा बोल रहा है भाई। हम तो यहाँ पे सनरूफ देख रहा था ऊपर होके ना, हम ब्लॉग में आपको दिखाएगा बोल के पूरा गांव वाला भाई बाहर आ गया दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हम आसाम साइड में आ गए। ये देखो भाई साइड दे दो साइड, बतख जी पक 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 पक, क्या मस्त नजारा है भाई, गांव में रहने का मजा ही कुछ अलग है। ऑलराइट गाइस, 2 घंटे ट्रेवल के बाद हम लोग आ पहुंचे हैं दिनहाटा प्लेस में। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं नोबेल भाई के घर। आते ही दोस्तों ये देखो मीठा मिल गया है, इसको खा के उसके बाद करेंगे लंच। और हमारा रमेश भाई देख रहा है वीडियो, वो इंस्टाग्राम में दिखाओ तो कौन सा वीडियो तुमने अपलोड किया अभी, कल अपलोड किया था ना। इसको बुलावा तो ये है रक्षिका, जिसे मैं ओमेगा में कुछ 3 महीने पहले मिला था। आई लव यू टू एंड देन वी शेयर्ड आवर इंस्टाग्राम एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट वी यूज्ड टू टॉक फॉर लाइक 7 ये सही है भाई एनिमेशन। पर हमारी कहानी ये फोन के 2 स्क्रीन तक ही सीमित नहीं था। ओ लौंडा जवान हो गया जो भी हो एक बात बताऊं, लड़की बहुत सुंदर है। कॉम्प्लीमेंट टू यू रक्षिका, सीरियसली मतलब क्या माशा अल्लाह ऐसा लग रहा है सही में। चांद का जो टुकड़ा है ना दिखाई दे रहा वो वीडियो में, दो चांद जमीन, चांद चांद में तो दाग भी रात तो वो तुम हो ना। दीदी खाना एकदम भलो है इससे, थैंक यू सो मच। खाना खत्म हो गया दोस्तों, अभी यहाँ पे क्या दही और मिष्टी है, मैं तो मीठा नहीं खाता हूँ तो मीठे लोग खाओ तुम मीठे। गाइस खाना खा के हम लोग अभी पहुँचे हैं नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज में। ओके दिस इज एक्चुअल रियल राइड दोस्तों, मैं पता नहीं सकता भाई ये ब्रिज कितना बड़ा है। और ये ब्रिज के चारों तरफ क्या है, नदी है जो कि एकदम ही सूखा सूखा है भाई, मेरे से तो छोटा ही है समझ रहे हो ब्रिज। कैसा लग रहा है रमेश भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सनरूफ से निकलना इल्लीगल है। क्यों? क्योंकि इल्लीगल है। ये तो है वो मैटर, वो भाई क्यों कर रहा है, क्यों ब्रेक तो भाई भाई ने ब्रेक मार दिया पूरा मेरे ये चेस्ट में लगा, इस साइड में लगा ज्यादा। क्यों लगाया ब्रेक? मैं लगाया कि आज से लगे, लेकिन थोड़ा जल्दी झूठ बोल रहा है भाई, जानबूझ के किया मैं। नहीं नहीं सामने कुछ नहीं, समझ कर तुम्हारा क्या प्लान है भाई यहाँ लाने का? ठीक है खोर तो नहीं है क्या? खोर भाई भाई लगा अच्छे से ये दिखाने के लिए था। हाँ भाई देख भाई कितना अच्छा लाइट जा रहा है, फ्लाई ओवर तो कभी देखा ही नहीं था। नदी भी जा रहा है भाई, 10 किलोमीटर चल के हम फ्लाई ओवर देखने आए भाई, नीचे नदी भी है, नदी है तेरे को डुबा दे ये दिखाने लाया था। किधर है बांग्लादेश? अच्छा ये साइड में बांग्लादेश है बोल रहा है भाई, बांग्लादेश पीपल आमी बोका चोदा। गाइस रात हो गया, हम लोग ना घर निकल रहे थे, गूगल आंटी ना पता नहीं कौन सा वाला रास्ता दिखा दिया। ये रास्ता देखो भाई, ये तो पूरा लकड़ी का बना हुआ है, बाइक बाइक आ रहा है भाई। बोलो गाइडिया तो देखी नहीं चलाने का के देखो का के देख, सामने पीछे दीपक देखो गाइड लगे दिए तो हुड़ुड़े चलचो को हुल्ला वाला हां मैं जाबो छे ये हासी मारा हासी मारा अच्छा अच्छा सही हो क्या, किसने ठोक दिया बोला? किसको ठोक? नहीं बोला कि ऐसे हटा। अच्छा ठीक है हटा रहा है। वाह भाई की कोई की भाभी गाड़ी चला रहे तो साथ चल जा, हमें कैसा लगे किसी को ना बाहर चली आते ना ना फिर साथ करता है। अरे ना ना वो कभी चोक उड़ा नहीं इच्छा हमें को चोर एडो खाता नहीं बड़ा एक गाना तो गाड़ी घूर बे ना না ব্যাক করে নিয়ে দিচ্ছি। আর ওই যে ইন্ডিকেটর ঘুরতে লাগে, ইন্ডিকেটরটা ভাঙছে বুঝছে। ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা, ইন্ডিকেটর গেছে ঘুমালো আমি কি বলতেছি, ইন্ডিকেটরটা ভাঙছে কি করবি বল,
किसने तोड़ दिया? ठीक है पहले पीछे कर लेता हूँ भैया, पीछे कर लेता हूँ, बात करते हैं, पीछे करने नहीं दे रहा वो बात। इंडिकेटर तोड़ दिया बोल रहा है। हम लोग ने कुछ किया नहीं, अपने रास्ते जा रहे हैं, इंडिकेटर तोड़ दिया बोल रहा है। अरे बोलना क्या, घुमा लो ना, निकलते हैं, चलो इन लोग से बकवास नहीं करना। कुछ किया नहीं है वो, बोल तोड़ दिया है वो, क्या उसको उसको क्या चाहिए पता, पैसा खाने का कोशिश कर रहे हैं, पैसा खाने का कोशिश कर रहे हैं। निकलो यहाँ से, क्या खड़ा है उसको क्या चाहिए, अरे निकलो ना, उठा सीधा जाना, सीधा ही लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लो। वहाँ पे एक्चुअली एक बंदा क्या बोल रहा था कि तुम्हारे गाड़ी से हमार गाड़ी ठोके कैसे, हमार इंडिकेटर टूटे कैसे, ऐसे ऐसे बोल रहा था। ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं। क्या लगा है स्क्रैच? कहाँ पे लगा है ये? लगा है इसको स्क्रैच बोलता है ये? अबे चोदू इसके ऊपर धूल है, ये बहुत पहले का, ये धूल है भाई। स्क्रैच कहाँ पे? आवाज आ रहा था भाई बहुत। नहीं 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 स्क्रैच नहीं लगा है भाई, इम्पॉसिबल लगा ही नहीं, चोदू झूठ बोल रहा है। झूठ? अरे उसका पैसा खाना था यार, नहीं लगा है भाई। लगा होता तो कहाँ पे स्क्रैच, थोड़ा सा दाग किधर है? चलो दोस्तों आराम से निकलते हैं अपने जगहों की ओर। दिल थाम के बैठे दोस्तों, क्योंकि अभी इस मोड़ पे आ गए हम लोग कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बड़ा जंगल को हम अभी क्रॉस करने जा रहे हैं, जो जंगल का नाम है चिलापाता फॉरेस्ट। सीट बेल्ट लगा लो भाई। अपना गाड़ी का हमने यहाँ पे एंट्री करा दिया है, और हमने पूछा था कि हाथी वाती नहीं निकलता है, सेफ है कि नहीं, वो बोला है कि बोलते पार में ना, मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है, अपने रिस्क पे जाओ। हमने यहाँ पे चीठा फाड़ दिया है। अब कोई भाई आगे, दो बंदा भाई जंगल के बीच में क्या कर रहा है, ये देखो भाई, ये जंगल के बीच में बंदे लोग क्या कर रहे हैं, और ये जो जंगल है ना आधा घंटा लगता है क्रॉस करने में, तो इसीलिए हम लोग ने पूरा का पूरा शीशा लगा दिया है दोस्तों। तो चलते हैं सीधा, क्या होता है क्या नहीं आपको हम दिखाते रहेंगे ऑन कैमरा। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा जंगल के रास्ता होकर हम लोग जा रहे हैं, और एक्चुअली हमारे भाई को ना नींद लग रहा था, और उसकी नींद की मार हो गया। ओ यहाँ की कौन है अभी? अबे ये तो पिलर है भाई, भाई भाई आराम से भाई, भाई ये कहाँ आ गया भाई, ये क्या हो रहा है भाई, दोनों तरफ जंगल है भाई। ओए भाई ओए आगे ओए माँ का, मेरे को ऐसा फील हुआ यहाँ पे आके जस्ट कोई था। मेरे को भी भाई, मजाक सेट के। तो अभी हम अपने रमेश भाई को लेकर आए हैं तंदूर चाय खिलाने के लिए। तो भाई शुरू कीजिए, अपना टैलेंट दिखाओ। ये भट्टी से निकला अपना कप है, हाँ कॉफी भट्टी से निकल रहा है, ये देखो मास्टर शेफ ने डाल दिया, ऊपर से आग निकला दोस्तों, ये देखो ये रहा तंदूरी फ्लेवर। ये अपना भाई है, जयगांव का बेस्ट चाय बनाता है ना, पहला कस्टमर मैं हूँ कि नहीं? ए बाप रे बाप, बहुत सारे कस्टमर सपोर्टिव है, आप भी वही कस्टमर लोगों के साथ जैसा ही आप भी सपोर्टिव रहे हो। एक्चुअली मैं बता दूं, एक्चुअली मैं बता दूं, ये बोलने के लिए मैंने 200 दिया था इसको। चलो 200 ही दिया था या कुछ और दिया? नहीं ये भाई आज तक ये अकेले कभी भी नहीं आया, आते हैं तो दो तीन जान, मैं ग्रुप लेकर आता हूँ, लेकर ही आते हैं। बहुत लड़का लोग भी इनके वैसे आया हुआ है, बोलता है कि रॉक लवर का वीडियो देखकर। थैंक्स। यो गाइस, अपने भाई को लेकर आ चुके हम लोग जयगांव के यहाँ गोरखा थाली खाने के लिए। आई थिंक ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम? यस, पहले मेरे को ये बताओ इतना सारा आइटम है, पहला कौन सा खाए क्या करे? वो तुम्हारा मर्जी है, कौन से कहाँ से शुरू करोगे। अच्छा, पहले ये घी को ऊपर से डालो, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से मटन का ग्रेवी डालो, उसके बाद हाथ से दो थोड़ा सा ऐसे। अब तुमको चिकन से शुरू करना है या सब्जी से या आलू से या तो फिर ये गुंद्रुक का अचार है, ये हमारा नेपाली में मिलता है गुंद्रुक का अचार। गुंद्रुक का अचार, उसके बाद ऐसा करो ना, सुनो सीधा मटन से शुरू करो। सीधा मटन से अटैक। Too hot. मेरी तरफ से तो ऑलवेज बेस्ट खाना यार मेरे लिए जो। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, वो रहा अपना रमेश भाई का गड्डी, अपना रॉकी, अपना पापा का सेनोरिता, और चलिए आपको मिलाते अपने भाई लोगों से। यो भाई लोग, गुड नाइट ब्रो। ये क्या हाल है? बस बहुत अच्छा। कैसा लगा रमेश भाई आज का सफर? बहुत अच्छा लगा, बस अभी क्या करेंगे हम लोग, सपने में भूटान घूम के आएंगे। हाँ एक्चुअली मैं बता दूं, ऑफ कैमरा ना हम भूटान एंटर करने का ट्राई किया, बट
क्या हुआ यहाँ पे सीन, अपने पास तो ओरिजिनल आईडी कार्ड है, अपने भाई के पास भी था ठीक है, बट अपने रमेश ये भाई और एक भाई था उसके पास एक्चुअली ओरिजिनल नहीं था, फोन पे था जो कि भूटान पे वो अलाउड नहीं करता, ओरिजिनल आपको ना वो आईडी दिखाना होता है। हाँ जी, उन्हें फिजिकल आईडी कार्ड चाहिए था लेकिन हम पे डिजिटल था। हाँ, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है भूटान गवर्नमेंट से कि हर कोई हमेशा अपने पॉकेट पे ओरिजिनल कॉपी लेके घूमेगा तो रिस्क है ना भाई, क्योंकि हमें पता है इंडिया में ना ओरिजिनल कॉपी मतलब जो होता है ना आईडी कार्ड या तो मान लो कि आधार कार्ड या तो वोटर कार्ड, अगर वो खो गया तो उसको बनाने में भाई कितना सर फिरा घूमना पड़ेगा ना, मतलब बहुत इधर उधर जाओ ये वो। हाँ, तो मेरा भूटान गवर्नमेंट से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मोबाइल पे जो होता है ना डिजी लॉकर ना, डिजी लॉकर पे ना वो आप लोग थोड़ा ले लिया करो, क्योंकि हमारे भाई इतने दूर से कोलकाता से आए थे, सोचा था भूटान एक बहुत ही अच्छा कंट्री भाई लोग को थोड़ा सा दिखा दूँ नाइट ना, और सुबह भी हम जाने वाले थे, बट यहाँ पे सीन ये है ओरिजिनल कॉपी नहीं है। लेकिन तुम्हारा गांव बहुत मस्त है। क्या तुम्हारा गांव बहुत मस्त है? ये भाई मेरे को सुबह से बोल रहा था भाई मेरा गांव बहुत मस्त है। किस क्यों कैसे मस्त है? क्योंकि अच्छा, हम सोचे थे कल भी रुकेंगे बट हम लोग निकल रहे कल को सिक्किम, सिक्किम के बाद दो दिन के सिक्किम में दो दिन रहेंगे आई थिंक, उसके बाद हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग। तो आप लोग अपडेट के लिए ना इंस्टाग्राम पे आ जाना अपने रमेश भाई से मिलने के लिए, ओमेगल किंग वन एंड ओनली। लव यू दोस्तों। नेपाली में कुछ बोल दो। मो नेपाली दाजु बहिनी लाई धेरै माया गर्छु। वाह, सबै नेपाली दाजुभाइ यसको लागि चाहिँ एउटा लाइक एउटा कमेन्ट हाम्रो रमेश भाइको लागि, अर मेरे लिए कुछ एक ओ दोनों ओमेगल में जैसे तुम मारती हो लड़कियों के लिए। तुम क्या कर रहे हो? तो बेइज्जती बेइज्जती करवा दो, वैसे भी हम जो ऑलरेडी बेइज्जत है उसका क्या बेइज्जती करूं अभी। ये तो रोस्ट हो गया भाई, अब एक अच्छा वाला चेहरा देख, अच्छा कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। माय हार्ट वांट्स टू टेल यू समथिंग। यस टेल मी। रोजेस आर रेड, violets are blue, every Nepali girl likes you. Thanks. मन में गाली दे रहे, बोले क्या चूतिया लाइन बोला। मैं तो सोच रहा हूँ बंगाली लड़की से शादी कर लो, रोज रोज सुबह सुबह रसगुल्ला खाने को मिलता है ना, काला जादू फ्री में मिलेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इतना भी सच नहीं बोलना था रमेश भाई। तो यार गाइस बहुत दिनों बाद हम ब्लॉग बनाए हैं, तो थोड़ा सा प्यार कर देना, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बता देना, इंस्टाग्राम पे आ जाना बिकॉज वहाँ पे ना कुछ कुछ मैं डांस वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, हम जा रहे हैं सोने के लिए क्योंकि कल सुबह हम लोग को निकलना सिक्किम। तो यस कांची तिम्रो रैक 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 डैक डैक डैक।